आज हम आपको लेकर चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम। पापा होस्ट है आज, चलो भाई आज जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम जी, जय बालाजी। तो भाई आज हम जा रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ पापा को लेके, मम्मी को लेके और सासू माँ को लेके। तो भाई आज सबको लेकर जा रहे हैं घूमी घूमी करने। और सासू कहाँ कहाँ जा रहे हो? खाटू श्याम, खाटू श्याम। पहले आज हम जाएंगे बालाजी, हाँ स्टे करेंगे। सारासर, सारासर बालाजी नहीं, सारासर नहीं, मेहंदीपुर, मेहंदीपुर। और फिर हम जाएंगे खाटू श्याम। अशोक जी बताना कोई गाना अच्छा सा। आज हमारे दिल में आज दूसरा गाना, दूसरा गाना पापा कौन सा? चाहूंगा मैं तुझे सवेरे, ये गाना लगाए भी मेरे अब को तेरे मम्मी। ओफो, ये तो जुगलबंदी चल रही है संदीप संदन की। एक साथ जा रहे हैं, क्या होने वाला है आज। तो समधी समधन की खट्टी मीठी नोकझोंक तो आपने देख ली। फिर की मैंने पैकिंग, सारे सूट्स ही रखे। और ये रतीश जी ने दिलाए थे मुझे बहुत ही अच्छे शूज़, 3 pairs। आन्या को हम अपने साथ नहीं ले जा पाए थे क्योंकि उसकी 12th class थी और स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ सब थे, उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसकी मम्मी है, उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा। तो भाई आज हम सब जा रहे हैं खाटू श्याम और बालाजी, और मेरे साथ जा रहे हैं रतीश जी, पीछे मेरी मम्मी जी, मेरी मम्मी और पापा। जरा सूरत दिखाएंगे अपनी, और जय श्री राम। और पापा एक सुंदर सा गाना गाएंगे। पापा कौन सा गा रहे थे अभी आप? दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चलिए तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे। मैं ठहरी नेचर लवर, मुझे नेचर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं कभी बोर हो ही नहीं सकती। हाईवे पर मैंने कितनी बार गाड़ी रुकवाई, और रतीश जी को रास्ते में सब्जी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम घर से ये पैक करके लाए थे, एक सूखी सब्जी और पूरियाँ। और फिर हम पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी। हमें जाना था सालासर बालाजी, लेकिन वो बहुत दूर था और रास्ते में सबसे पहले पड़ा यही, तो हमने सोचा यार हम यहीं के दर्शन करते हैं, बालाजी ने हमें यहीं बुलाया है। और हमें किसी को भी लग्जरी होटल्स पसंद नहीं है, रतीश जी ने इतना लाइफ में इंजॉय कराया है, इतना लाइफ में इंजॉय कराया है, क्या नहीं दिया उन्होंने। अब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह नहीं है। तो एक बहुत अच्छी सी हमें धर्मशाला मिली, हमने यहाँ पर रूम लिया। कितना बड़ा रूम है बताओ, इतना बड़ा बेड है मम्मी, सारे के सारे आ जाओ इसमें। गांव है ये बिल्कुल, मेहंदीपुर बालाजी बिल्कुल गांव है। और इतना साफ़ सुथरा हमें रूम मिला, पूरा का पूरा पूरा बेड है। देखिए बेड, देखिए आप कितना बड़ा है। ये कोइंसिडेंट है कि मम्मी भी मेहंदी में, सासू माँ भी मेहंदी में और मैं भी मेहंदी में। इतना बड़ा कोइंसिडेंट जिसमें कि हमें नहीं पता था कि हम मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं, हम जा रहे थे सालासर, लेकिन हमें लगा चलो ये पास में तो हम ये देख लें। और तीनों ने ही मेहंदी मेहंदी सूट पहन लिए, है ना मम्मी। आज रतीश जी तैयार हो चुके हैं, और ये दिया है मनीष भाई ने रतीश जी को गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। तो आज ये पहन रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी में, हम सब मेहंदी मेहंदी हैं और रतीश जी आज इस गेटअप में है। मम्मी पापा को तो हम हमेशा ही घुमाते थे, लेकिन सासू माँ पहली बार गई। एक्चुअली उनके पैरों में दर्द रहता है, वॉमिटिंग होती है, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत मार ही दी। क्या ये भी मेहंदी आ गई? बताओ भैया सब मेहंदी मेहंदी में आज। एक रतीश जी की बाबू जी, ये वाला प्रसाद जमा हो जाता है, और वो जो देंगे वो भी मतलब बढ़ जाता है। अच्छा वो भी बढ़ जाता है, अपने साथ नहीं लाते? अच्छा नहीं, घर पे नहीं ले जाते। अच्छा घर पे नहीं ले जाते, ओके। पीछे मुड़ के देखते नहीं, ऐसा भी है पीछे मुड़ के नहीं देखते ऐसा? खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं। ये मिले हमें वहाँ पर एक बाऊ जी, बिल्कुल हनुमान जी का जैसे अवतार हो, दूध भेज दिया उन्होंने अपनी। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया रास्ते में, मंदिर में इतना क्राउड था। हालांकि मैंने रतीश जी की बात मान ली कि हमने फ्राइडे दर्शन कर लिए, सैटरडे में तो बेहद क्राउड था। फिर हम वहाँ पहुँचे
लाइन लगी हुई थी मगर बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर थोड़ा एक रहता है भूत प्रेत का, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना नहीं लगा क्योंकि हम थे ही बालाजी में और उसके बाद हमने लगवाया ये टीका। ये लड़की रतीश जी को टीका लगाए बिना मानी ही नहीं। देखिए ओ भाई साहब, भाई वाह, तेरी एक और लगाऊंगी। और फिर ये था मंदिर परिसर। फ्राइडे की वजह से क्राउड कम था, सैटरडे में बहुत ज्यादा था। दर्शन हमें बहुत ही अच्छे हुए, लेकिन शुरू में लाइन कम थी, बाद में जाकर बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ गई, लेकिन इन बाबूजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। तो भरतपुर वाले बाबा हम ये भी ईश्वर की कृपा है, मतलब हनुमान जी ने अपना दूध भेज दिया हमें। इनने तो मेरा हाथ उखाड़ दियो। किसने? मम्मी ने। मम्मी ने हाथ छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। ये और दर्शन करने के बाद फिर हम गए मार्केट में। ये थी बहुत ही सुंदर दुपट्टों की शॉप। मैंने तो भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन दुपट्टे ले डाले। मुझे दुपट्टे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और सासू माँ को भी बहुत ही पसंद आ रहा था, तो एक मम्मी जी को दिलाया। मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी आप भी ले लो, मगर वो तैयार ही नहीं थी लेने के लिए। तो सासू माँ को ये दुपट्टा बेहद पसंद आया और एक दुपट्टा मैंने मेरे लिए, एक मम्मी के लिए और एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, जो कि आप देख रहे हैं। फिर मम्मी का मन किया कि भाई छोटे छोटे बच्चों के लिए, बबीता के बच्चों के लिए भी कुछ सामान ले लें, तो वो हमने फिर वो लिया और फिर हमने खाया एक पवित्र भोजनालय पर बहुत ही बढ़िया खाना। ढाबे का खाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हमारी सब्जी पूरियां तो थी ही, सब्जी रोटियां भी, मिर्ची भी। देखिए कैसे रतीश जी स्वास्थ्य से खा रहे हैं, उन्हें खाने के साथ सब कुछ पसंद है। ले ली भैया की फोटो भी। ऐसा कहाँ खाने को मिलती है ये वाली रोटी। ऐसे कोयले पर ही सिक गई। क्या बढ़िया बढ़िया रोटियां सिक रही थी इस तरीके से, मैंने तो कभी खाई नहीं ऐसी रोटियां। वीडियो बनाए बिना मेरा मन ही नहीं माना। आज हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और थैंक यू पहले तो मम्मी जी को, मम्मी जी ने बोला था खाटू श्याम। और फिर हम धन्यवाद मेरे बेटे बहुओं का। थैंक यू रतीश। जय बालाजी महाराज की जय। और थैंक यू मम्मी। जय बालाजी महाराज की। पापा दोबारा चाय पीने गए, मैं काफ़ी गोरी नहीं लग रही है ना। तो अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।